कल्पना जो आसमान को छूती है, कल्पना जो सितारों से जगमगाती है। जी हाँ, हमारी और आपकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती, वो जमीन से लेकर आसमान तक पलक झपकते ही पहुंच जाती है। और बिल्कुल अपने नाम के जैसी ही थी वो, जिसे हम और आप कल्पना चावला के नाम से जानते हैं। और 1 फरवरी 2003 को, यानी उनके निधन के बाद से, कुछ लोग उन्हें अंतरिक्ष की परी के नाम से भी पुकारते हैं। और आज यानी 1 जुलाई को हम न्यूज इन साइंस में इसी अंतरिक्ष परी यानी कल्पना चावला के उस सफर की बात करेंगे जो हर किसी को रोमांचित करता है, उनके अंतरिक्ष के सफर की। उनके उन कार्यों की बात करेंगे जिनके लिए हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा और जिसके लिए उन्हें नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष में कदम रखने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना ने करनाल से ग्रेजुएशन किया और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर इसी विषय में 1988 में अमेरिका के कोलोराडो से डॉक्टरेट किया। इसी साल यानी 1988 में ही वो अमेरिकी संस्था नासा से जुड़ गई। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम क्षण 1995 में आया जब नासा ने उनका नाम संभावित अंतरिक्ष यात्रियों की लिस्ट में शामिल किया और फिर कई परीक्षण और इम्तिहानों के बाद नवंबर 1997 को कल्पना को उनके पहले अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया। और अपनी इस 370 घंटे से ज्यादा की यात्रा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयोगों को अंजाम दिया। कल्पना के पहले अंतरिक्ष मिशन की कामयाबी को देखते हुए ही नासा ने अपने STS-107 अभियान के लिए कल्पना को मिशन विशेषज्ञ के रूप में चुना, जिसके लिए कल्पना ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ 16 जनवरी 2003 में एक बार फिर अंतरिक्ष की उड़ान भरी, जिसमें इस टीम ने कई अहम शोध किए। लेकिन मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापस लौट रहा कल्पना का अंतरिक्षयान कोलंबिया स्पेस शटल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही अमेरिका के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनके वो शब्द सही साबित हो गए कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ।